दोस्तों भारत में 500 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है जो कि 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। लेकिन इतने बड़े इलाके में फैले हुए जंगल और प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के बावजूद भी भारत के अंदर चीता विलुप्त हो गए थे, यानी कि भारत के अंदर मौजूदा समय में एक भी चीता नहीं पाया जाता। हालांकि भारत ने अपने वन्य जीवन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है, शेर बाघ के साथ साथ और भी कई जानवरों की आबादी पर सही से ध्यान देने की वजह से आज भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हालात काफी ज्यादा अच्छे हैं। भारत के अंदर जानवर काफी अच्छा जीवन बिता पा रहे हैं क्योंकि भारत के वन्य विभाग ने इनके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। लेकिन पिछले कई सालों से चीता भारत के अंदर पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है और इसीलिए भारत में एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों भारत के अंदर चीता की आबादी को एक बार फिर से बसाने के लिए और भारत के जंगलों को एक बार फिर से चीता कय होने का गर्व कराने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट चीता नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत भारत नीम्बिया देश से 8 चीतों को भारत के अंदर लाने वाला है। नीम्बिया से भारत आ रहे इन सभी चीता को भारत सरकार ने ही खुद चुना है। नीम्बिया में मौजूद एक संगठन के साथ मिलकर और इन चीता को भारत के अंदर लाने की तैयारी भी लगभग पूरी की जा चुकी है। दोस्तों भारत के इन सभी चीता को चुनने के बाद नीम्बिया की सरकार ने इन्हें जंगलों से पकड़कर क्वारंटीन कर दिया, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इन जानवरों को किसी भी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है और ये पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। साथ ही ये भारत के जंगलों में जीवित रह सकने की क्षमता अपने पास रखते हैं। ऐसी जानकारी हासिल करने के लिए इन्हें क्वारंटीन किया गया और बहुत जल्दी इन्हें भारत लाया जाना था। लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने इन 8 चीताओं में से 3 चीता को रिजेक्ट कर चुका है। भारत ने इन्हें लेने से मना कर दिया है और भारत का ये कहना है कि 8 में से 3 चीता असल में कैप्टिव ब्रीड के हैं, यानी कि इन्हें जंगल में नहीं बल्कि किसी बंद जगह पर बड़ा किया गया है और इसीलिए इनके अंदर शिकार करने की खूबी नहीं है और ये भारत के जंगलों में जीवित नहीं रह पाएंगे। वहीं पर नीविया के प्रवक्ता ने ये बात कही है कि ये बात उनके लिए काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत 3 चीता को लेने से मना कर रहा है और उनका कहना है कि ये सारे ही चीता जंगली हैं और ये जंगल से ही पकड़े गए हैं। साथ ही कोई भी चीता कैप्टिव ब्रीड का नहीं है और ये सभी शिकार करने में सक्षम है। साथ ही नीबिया के प्रवक्ता का यह भी कहना है कि चीता जब काफी छोटा होता है तो उन्हें एक जंगली बाड़े में लाया जाता है जहां पर वे रहते हैं और शिकार करते हैं, ताकि उनके अंदर जंगल में रहने के गुण आ सके, साथ ही उनके ऊपर नजर भी रखी जा सके, जिसके बाद उन्हें जंगल में आजाद कर दिया जाता है। और कई चीतों को तो कभी भी जंगल से किसी बाड़े या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाया ही नहीं जाता, ये पूर्ण रूप से जंगल में ही बड़े होते हैं। कुल मिलाकर नीबिया का यह कहना है कि ये सारे ही चीता बिल्कुल स्वस्थ हैं और शिकार करने में सक्षम है। वहीं पर भारत का ये दावा कि ये 3 चीता कैप्टिव ब्रीड के हैं, ये गलत है। दरअसल दोस्तों अब आप हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि अगर ये चीता कैप्टिव ब्रीड के हैं तो भी क्या दिक्कत है, भारत इन्हें जंगल में छोड़ सकता है और ये वहां पर रहना सीख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल दोस्तों जब कोई जानवर जन्म लेता है तो बचपन से ही उस जानवर के माँ बाप उसे शिकार करना और जंगल में जीने के गुण सिखाते हैं, और अगर ये जानवर अकेला भी होता है तो भी कुछ प्रतिशत संभावना होती है कि ये जंगल में अपनी जान बचा ले और जीना सीख जाए। हालांकि अगर किसी जंगली जानवर के बच्चे को शुरुआती दौर से ही उठाकर किसी जगह पर बंद कर दिया जाए और उसे खाना दिया जाए तो वह शिकार करने के गुण नहीं सीख सकता, क्योंकि शिकार करने के लिए बहुत ही स्किल की जरूरत होती है। वहीं यह गुण केवल जंगली जानवर ही जानते हैं, इसीलिए अगर इन 3 चीता को जो कि अगर कैप्टिव ब्रीड के हैं, इन्हें अगर भारत लाया जाता है और अगर इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए तो ये बिल्कुल भी अपना बचाव वहाँ पर नहीं कर पाएंगे और जंगल में जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इन्हें शिकार करना ही नहीं आता, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि ये बाघ या फिर शेर जैसे किसी और बड़े जानवर का शिकार बन जाए। वहीं पर दोस्तों नीबिया ने ये बात भी साफ कर दी है कि उनके पास भी चीता की संख्या काफी सीमित है और वो भारत को बदल कर चीता नहीं देने वाले, साथ ही वे भारत के प्रोजेक्ट चीता के लिए अधिक जानवर भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। जो भी हो, भारत इस मुश्किल का कोई ना कोई हल नीबिया के साथ मिलकर जरूर निकाल लेगा। फिलहाल के लिए ये बात तो तय है कि ये चीता नीबिया से भारत आ रहे हैं और भारत के प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत भी काफी अच्छी तरीके से हुई है। अगर ये चीता भारत के जंगलों में जिंदा रह लेते हैं और यहाँ पर फलने फूलने लगते हैं तो ये भारत और वन्य विभाग के लिए एक काफी बड़ी सफलता होगी। इन सभी चीता को नीबिया से भारत के मध्य प्रदेश में मौजूद कान्हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाया जाना है। वहीं पर भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह से पहले ही इन सभी चीता को सफलतापूर्वक भारत लाया जाए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस सराहनीय कदम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।